हाय गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं एक ऐसी जगह पे जो शिव मंदिर के नाम से मशहूर है और उसे शिवबाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं शिवबाड़ी मंदिर। तो आगे का व्यू आपको बताते चलेंगे साथ साथ में। तो चलिए गेट तक पहुँचते हैं और आगे का वीडियो आपको फिर बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं शिव द्रोण मंदिर और इसे शिवबाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो ये मंदिर 5-6 हज़ार वर्ष पुराना है और इस मंदिर के आसपास के वृक्ष हमेशा हरे भरे ही रहते हैं। और यहाँ के जो वृक्ष हैं वो अद्भुत कला बिखेरे हुए हैं और इन वृक्षों की शाखाएं जमीन से लिपटी हुई और इन वृक्षों को देखने का अद्भुत ही नज़ारा है। जैसे कि फ्रेंड आप लोगों ने देख लिया, पूरा जंगल का व्यू, काफ़ी घना जंगल है ये और काफ़ी यहाँ जानवर भी हैं। तो अभी हम मंदिर को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता बता दिया था हमने पहले कि ये लॉर्ड शिव भगवान का मंदिर है। तो और देखते हैं साथ साथ में और कौन कौन से भगवान का अंदर मंदिर है और देखते हैं अभी एक्सप्लोर करते हैं हम इसको। तो वैसे तो लोग यहाँ आते जाते रहते हैं, देखिए यहाँ आज भी बहुत भीड़ है और यहाँ शिवरात्रि के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है और यहाँ शिवरात्रि के दिन लोग दूर दूर से मेला देखने के लिए आते हैं। तो चलिए फ्रेंड हम पार्किंग एरिया में पहुंच चुके हैं, तो आगे का व्यू हम आपको आगे दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ पार्क लग चुकी हैं, पहले ही पार्किंग हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड हम आगे का आपको व्यू बताते हैं। चलिए फ्रेंड आज आपको इस मंदिर की कुछ खूबसूरत बातें बताते हैं। तो चलिए पहले कि ये आप पानी पीने का कुआं देखिए, यहाँ पे कोई फिल्टर नहीं लगा है, कोई आरओ नहीं लगा है। ये 6000 पुराना कुआं है, इसमें बहुत ही पेयजल और काफ़ी मीठा पानी आता है। जैसे कि आपको ये नल दिखाते हैं, इसमें काफ़ी पानी आता है, आप देख सकते हैं। और ये पानी इतना मीठा है और ये पीने लायक पानी है बिल्कुल। और ये कुआं बताया जाता है कि ये पांडवों ने अपने हाथ से इसको खोदा था। अभी तो ये बंद है क्योंकि कुछ पड़ ना जाए, इसलिए इसको बंद रखा हुआ है। तो चलो आप आगे का व्यू आपको आगे दिखाते हैं, इस मंदिर के बारे में और बहुत रहस्यमय बातें हैं। हाँ, एक बात आपको मैं और बताता हूँ कि यहाँ की कोई भी लकड़ी अपने घर नहीं ले जा सकता। अगर आप ये लकड़ी इसकी घर में ले जाओगे तो काफ़ी आपका नुकसान होगा और काफ़ी ऐसी रहस्यमय बातें और हैं इसके बारे में, मंदिर के बारे में। चलो तो आगे का लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि ये इसका एंट्री हॉल है और एंट्रेंस है ये, तो आप इसको देख सकते हैं, ये एंट्रेंस है। तो हमारे कैमरा मैन आपको बताएंगे, तो आप थोड़े सिनेमेट्रिकल शॉट देखेंगे यहाँ के। ये पक्षी देखो यहाँ पे क्यों है, क्योंकि ये जो घने जंगल है ये इनका बसेरा है, तो इसलिए बोलते हैं क्या अपने वृक्ष को मत काटो, सेव ट्री सेव फ्यूचर। बताते हैं हम अब मंदिर के एंट्री गेट पे खड़े हैं और बताया जाता है ये मंदिर बहुत पुराना है, 6000 वर्ष पुराने पहले बनाया गया था। और बताया, हमने सुना भी है और बताया भी जाता है कि ये मंदिर द्रोणाचार्य जी के द्वारा बनाया गया, कि द्रोणाचार्य जी यहाँ पे सोमभद्रा नदी में नहाने जाया करते थे। तो आइए आपको एक और राज की बात बताते हैं
यहाँ पे हमने भी सुना है कि यहाँ से दूर दूर से आके लोग अपने दिल में मन्नतें मांगते हैं और मन्नत के रूप में बड़ी बड़ी वाली बिल्डिंग बनाते हैं। जितनी बड़ी बिल्डिंग होगी उतना ही बड़ा घर उनका बनेगा और उनकी मन्नत पूरी हो जाती है, तब वो दोबारा वापस यहाँ दूर दूर से आते हैं और माथा टेकते हैं। और आइए आपको कैमरामैन दिखाएंगे यहाँ लोगों ने कितने घर बनाए हुए, देखो ऊपर तक घर ही घर हैं। ये सबकी मन्नतें हैं जो इतने बड़े बड़े घर बनाए हुए, कईयों ने 2 मंजिली, कईयों ने 3 मंजिल घर बनाए हुए हैं। और गाइस एक और चीज़ मैं आपको एक और फनी चीज़ बताता हूँ, जैसे कि लोग यहाँ पे मन्नतें मांगते हैं और घर बनाते हैं, तो हमारे फ्रेंड्स ने भी मन्नतें मांगी, वो मन्नतों के रूप में खुद ऊपर चढ़ चुके हैं, वो सोच रहे हैं कि हम उनसे भी बड़ा घर बनाएंगे और हमारा अंबानी के जितना बड़ा घर होगा। देखो गाइस, देखो आप देख सकते हैं इनके व्यू, पत्थर दीदी हमने ऊपर घर बनाने। तो आइए हम भी एक घर बना देते हैं, क्या पता हमारा घर भी इतना बड़ा हो जाए, तो आइए हम भी एक घर बना देते हैं। ये घर तो गिर रहा है भाई, ये तो बनने से पहले ही गिर रहा है ब्रो। जय हो, जय भोले बाबा की। तो जैसे कि फ्रेंड आप देख पा रहे हैं, हम मंदिर के एंट्रेंस में पहुंच चुके हैं, तो आगे मंदिर है, तो हमारे कैमरामैन आपको एक व्यू देंगे। तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं मंदिर के मेन द्वार में। यहाँ से अंदर मेन मंदिर है और यहाँ पे भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन करेंगे हम, और ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। यहाँ पे बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं और ये बहुत प्राचीन मंदिर है, ऐसा नहीं है कि अभी बना है, बहुत प्राचीन है। तो ये देखिए आप कितना खूबसूरत नज़ारा है अंदर का, ये सामने वो मंदिर है और कितना खूबसूरत नज़ारा है, मतलब कितना सजाया गया है मंदिर को आप देख सकते हैं। तो आप भी दर्शन कीजिए इस मंदिर के, और ये भोलेनाथ का मंदिर है, बहुत ही प्राचीन है। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं छोटे छोटे, ये वो पुराने यहाँ के पंडित हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं, उनकी याद में बनाए गए हैं। लेकिन देखने को ये मिलता है यहाँ पे जितने भी मंदिर हैं, हर मंदिर में भगवान की छवि देखने को मिलती है। तो ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे बहुत सारे लोग दर्शन करने आते हैं, तो आप भी दर्शन कीजिए इन मंदिरों के और यहाँ पे भगवान की छवि को देखिए। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि ये शमशान घाट है, तो मैंने जो लकड़ी वाली बात आपको बताई थी, मैंने इसलिए बताई थी कि आप ये लकड़ी घर में नहीं लेके जा सकते, तो यही मेन कारण है कि आप इसकी बन की लकड़ी घर को नहीं ले जा सकते। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने आपको इस मंदिर के बारे में सब कुछ बता दिया, और मैंने ही नहीं मेरे पूरे फ्रेंड्स लोगों ने आपको सब कुछ बताया, जिसको जो जो पता था पूरी हिस्ट्री के बारे में आपको बताया। तो चलिए आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, तो अब हम घर को चलते हैं। बाय फ्रेंड्स, हर हर महादेव।
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हम अभी घर को जा रहे हैं मंदिर से। काफ़ी अंधेरा हो चुका है और रास्ते में आप देखा भी था काफ़ी जंगल है और काफ़ी डरावनी स्थिति भी थी और काफ़ी यहाँ पे जीव जंतु भी रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।